बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से हैं। दुआएं हैं आप सब लोगों के लिए बहुत ज्यादा और पूरे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम सब हैं। और आप लोग एक काम करें कि प्लीज़ मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा करें। वो कहा यह जाता है कि जब अपनी दुआ कबूल ना हो रही हो तो किसी के लिए दुआ करें तो अपनी भी कबूल होती है। तो ये इसका मकसद ये है कि दूसरों का फ़ायदा सोचिए। दूसरों के फ़ायदा सोचते में एक तो एक अजीब अलग सी सेटिस्फैक्शन होती है। और ये जो जिन कामों को हम बहुत छोटा छोटा समझते हैं ना, कि किसी को खाना खिला देना इट्स अ स्मॉल टास्क, राह जाते किसी का फ़ायदा कर देना इट्स अ स्मॉल टास्क, किसी को कुछ पकड़ा देना, कोई हेल्प कर देना, पानी पिला देना, ये हमारे आपके नज़दीक इनमें मेहनत कम है, काम छोटे हैं, लेकिन इंसानियत के नाते ये बहुत बड़े काम हैं और अल्लाह के नज़दीक भी बहुत ज़बरदस्त बड़ी बड़ी नेकियाँ जो है मिलती हैं। तो द पॉइंट इज़ टू बी पॉजिटिव एंड आई फील दैट यू नो हाउ नेशंस चेंज देयर माइंड सेट। अगर हर इंसान मतलब मुझे नहीं मालूम कि कितने लोग ये शो देख रहे हैं, अगर जितने लोग ये शो देख रहे हैं उनको हम ये बोलें कि पॉजिटिविटी जो है उसका ऑरा क्रिएट करें, पॉजिटिविटी से काम लिया करें, हर चीज़ में अप्रोच पॉजिटिविटी रख लीजिए, नेगेटिविटी को हटा दीजिए, तो आप यकीन करें आप जैसा गुमान करते हैं ना वैसा ही होने लगता है। शायद उस वक्त ना हो, लेकिन इफ़ यू मेक इट अ हैबिट थिंग्स स्टार्ट चेंजिंग फॉर यू, यू नो द होल एटमोसफेयर चेंजेस एंड ऑल्सो यू स्टार्ट गिविंग दोज पॉजिटिव वाइब्स जो कि लोग भी जो है वो जल्दी कैप्चर करते, तो आपके साथ भी पॉजिटिविटी जो है वो होना शुरू हो जाएगी। सो द पॉइंट इज इट्स अबाउट आवर कंट्री, इट्स अबाउट पाकिस्तान कि हम न्यूज़ चैनल खोलते हैं और दूसरी बातें सुनते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, कोई पॉलिटिकल मुसीबतें, कोई कुछ कह रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, कोई कहीं जा रहा है कहीं आ रहा है, कोई कह रहा है मैं ये कर दूंगा मैं वो कर दूंगा। अरे भाई सुख का सांस लेने दें, ये कैओटिक सिचुएशन जो है ना इसको ख़त्म करें। और मैं तो कभी कभी एक बात कसम से मैं सीरियसली ये करता हूँ कि मैं तमाम न्यूज़ चैनल्स कुछ देर के लिए ऑफ कर देता हूँ। मुझे नहीं चाहिए ये पोल्यूशन, मुझे चाहिए सुकून, मुझे चाहिए आराम एंड आई वांट टू एंजॉय माय लाइफ। एंड यू कैन एंजॉय योर लाइफ इन मेनी वेज, बट वन वे दैट आई वांट टेल यू इज दैट बोल नाइट्स ज़रूर देखिए, आप कभी भी बोर नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है। और जनाब आज जो हैं हमेशा की तरह हमारे गेस्ट बड़े ज़बरदस्त हैं। एक मुझे जो चीज़ बहुत अच्छी लगती है और वो मैं बोल चैनल जो है हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है और इस चैनल इस प्रोग्राम और इनको आगे बढ़ाने वाले जो लोग हैं उसमें एक खूबसूरत बात यह है कि वो कभी भी कुछ एडिट नहीं करते शो में। दूसरा एक और चीज़ कि आपकी और मेरी मर्ज़ी के गेस्ट बुलवाते हैं। मैं बहुत से शोज़ देखता हूँ स्पॉन्सर्ड होते हैं या चैनल्स की प्रायोरिटी होती है या किसी ने ऑर्डर किया होता है कि भाई इनको बुलाना है इनको नहीं बुलाना, इनको बुलाना इनको नहीं बुलाना, उसका वो चीज़ हिट हुई उसको बुला लें, उसकी ये चीज़ पुरानी होगी उसको ना बुलाएं, ये इस चीज़ में इन है इसको बुलाएं, ये सुपरस्टार है इसको बुलाएं। मैं समझता हूँ कि हमारे पास जितने लोग हैं वो हमारा एसेट है। पाकिस्तान में हमारे आर्टिस्ट जो अपना नाम बना रहे हैं बना चुके हैं वो बड़े प्यारे लोग हैं, बड़ी मेहनत करते हैं और उन्हीं मेहनत करने वाले ज़बरदस्त लोगों को जिनको मैं आप हम सब बहुत पसंद करते हैं वो भी आते हैं हमारे शो में। तो आज जो हमारी पहली गेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं, क्या तारुफ कराऊं, मैं तो करा नहीं सकता, मेरे पास तो लफ्ज़ नहीं है, क्योंकि ज़बरदस्त एक्ट्रेस हैं। ज़बरदस्त लफ्ज़ छोटा है, यानी मुझे ढूंढने दे, अजीम अजीम एक्ट्रेस नहीं, अजीम भी छोटा है यार, क्या करें, मतलब क्या मतलब मैं नहीं बोल सकता, आप जरा देखें कौन है, वीडियो दिखाएं। सो लेट्स वेलकम सानिया सई। कैसी है आप? आई आई शुक्रिया, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो। क्यों हंस रही बताए चले? आई वांट टू, क्योंकि इतना कुछ आगे पीछे हुआ, स्केड्यूल भी आगे पीछे हुआ और पता नहीं कब मुझे पता चला आपकी तबीयत ठीक नहीं थी। यू फाइन, यू फीलिंग बेटर नाउ? बेटर बट नॉट रियली अप टू इट। मैं बहुत, और मैं ये भी कह रही थी कि इतना एनर्जेटिक शो है यार, मैं बीच में थक जाऊंगी। नहीं वो देखे ना, इसका एक फायदा ये होगा कि इतने लोग जो
फैन है आपके और जो मुझे बार बार कहते भी सानिया सईद अभी तक क्यों नहीं आई, तो दे विल ऑल वॉच द शो एंड व्हेन दे विल फाइंड आउट दैट यू आर नॉट फीलिंग वेल, दे विल प्रे फॉर यू. सो इट्स लाइक अ गुड वे, यू नो. ओह, दैट आई डिडंट थिंक ऑफ. सो जो चार लोग दुआ करते हैं अब हजारों लोग दुआ करेंगे, तो शोभा को देखिए. या दैट्स अ वेरी गुड थिंग, थैंक यू वेरी मच. प्लस पॉइंट. अच्छा, कैसी हैं आप? ठीक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह. मैंने कहा जबरदस्त एक्टर, फिर मुझे लगा जबरदस्त तो छोटा लफ्ज है यार मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ना, चला. फिर मैंने कहा अजीम कहते, फिर मैंने कहा अजीम भी छोटा लफ्ज है, मैं यही सुन रही थी. अच्छा, जब मैं सुन रही थी कि इसी पे हंसी आ रही नहीं, क्या आप बोल रहे हैं, इतनी तारीफें कर रहे हैं. नहीं यार, वाकई आपको पता है ना कि आप अच्छी हैं? नहीं पता. अच्छी एक रिलेटिव लफ्ज है ना. किसके मुकाबले में अच्छी हूँ? बस हमें देखने में अच्छी लगती है, एक्टिंग में मजा आता है हमें देख के यार. बस अच्छा है जो वो अच्छा है, इसमें क्यों कोई शक है हमें? बस ये है कि जो काम थोड़ा बहुत किया है वो अच्छा लगा लोगों को, आई थिंक बस यही अच्छी बात है. ठीक है, चलो जी, आपके काम की बात करें कि मुझे तो आपके बड़े मैंने काम देखे हैं और बहुत कुछ देखा, लेकिन हमारे साथ एक और गेस्ट है, हमारी बड़ी अच्छी गेस्ट है और उनका खुद भी कहना यह कि उनको यूट्यूब क्वीन भी कहा जाता है. सही कहा जाता है. क्योंकि उनके एक्टिंग स्किल तो है ही उनमें और बहुत अच्छी है, बट उनकी ये जो शायरी जब करती है ना वो, तो मैंने उनसे एक बात मैंने पूछी कि ये प्रॉम्प्टर तो नहीं रखा होता, इतनी लंबी लंबी जो शायरी सामने पढ़ के ये वीडियो अपलोड कर रही होती है. She remembers it. So much यार, मतलब it's brilliant. And she's not only सिर्फ शायरी नहीं करती है, डायरेक्ट करती है, लिखती है, एक्ट करती है. आई थिंक so talented, mashallah. देखें यार, समझ गए होंगे आप लोग. एक वीडियो देखते हैं फिर उनको बुलाते हैं. So please welcome Yasra Rizvi. Hello. How are you? I'm good. I was trying my best not to fall off the stairs. Hey, na, they're quite. But they're very dramatic. Steep, what? Huh? But this is dramatic. Normal stairs, yeah. They're good, but they're very dramatic. They're very dramatic. I love them. Yeah, they look even like more dramatic on screen, you know. I wanted to come to this show mostly because of the stairs. Yeah, main ja raha hu. Main to ghar ja raha hu. Ye meri mujhe se to milna hi nahi tha. Nahi, opening itni dramatic. Banda itna hi kehte ki ha, aise tum seedhiyan aur tum. सीढ़ियां और तुम, कितना अच्छा नाम है, सीढ़ियां और तुम. ये अब बात यहां आ गई है, सीढ़ियां और तुम. मैं दोनों को देख के ना मेरा भी थोड़ा मिजाज थोड़े उर्दू ज्यादा शायराना हो गया. अच्छा, हमारा ये इंप्रेशन है एक्चुअली सिर्फ. हाँ, मेरा तो बिल्कुल सिर्फ है. नहीं, मैं क्योंकि इनको भी जब मैंने नहीं, मैं तो घर से सोच के आता हूं आज तो पढ़ी लिखी बातें होंगी, ये बड़ा मसला है. पढ़ा लिखा तो है सीर, लेकिन उसके साथ साथ ऐसा सा है. हाँ? ऐसे जैसे हमारे क्या कहने ही बंद हो रहे. हम तो हंसते रहते हैं. वो सिर्फ एक मिथ है. एक मिथ है कि हम वो इमेज बिल्डिंग है. इमेज बिल्डिंग नहीं है. लोग हमें देख के इतने संजीदा सवाल पूछते हैं. इतने लोगों ने खुद लगा ली. हमने ऐसा कोई बिल्डिंग हमारी बनाने का बिल्कुल भी इरादा नहीं. आप संजीदा सवाल पूछेंगे? मैं बिल्कुल संजीदा, मुझे तो संजीदा सवाल आते नहीं. मैं तो बस बातों में से बात करता हूँ. आप देखिए, इसका स्क्रिप्ट नहीं है, हम बस ऐसे गपशप लगाते हैं. नो, वी कैन हैव फन. या वी नो हाउ टू हैव फन. या वी नो हाउ टू हैव फन. यू वांट द म्यूजिक? Not that kind of fun. No, we can have that kind of fun too. Okay, that too. That we'll have that too. अच्छा, आजकल क्या हो रहा है ये बताएं. मैं तो बिल्कुल कुछ नहीं कर रही हूँ. इसकी वजह? अच्छा, इसकी वजह कुछ पर्सनल रीजंस थे. ठीक है. कुछ बीमारी थी. ठीक है. यू डिडंट वांट टू ब्रेक ले लिया. हाँ, बिकॉज़ यू आप ये करते हो ना, मतलब आपने एक काम किया फिर छह महीने गायब. नहीं, मैं बताती हूँ. हाँ. इनका लेवल है ना. हाँ. साल का एक प्रोजेक्ट. हाँ, है. अच्छा. पिछले साल इनका और निमरा बुच्चा का मुश्क था. पूरे मुल्क में उसने ट्रेवल किया थिएटर. ठीक है. यू नो, 2 hours ऑन स्टेज. उससे पहले मेरी गुड़िया किया, वो सब जगह मशहूर हुआ. थोड़ी देर में फिल्म के सेट पे जाने लगी है. हमारी वेब सीरीज में भी थी. बस ये भरम है ना थोड़े. ऐसे कितनी मैं कुछ नहीं कर रही. ये सब मुझे याद ही नहीं था. ये देखो, मुझे याद है. ये देखो यार, असल में मेमोरी का इशू है. मैं कुछ भी नहीं कर रही आज. एक्चुअली मेमोरी का इशू है. मैं कुछ नहीं कर रही. नहीं, मैं मजाक के अलावा काम करके मैं भूल जाती हूँ. अगर तुम मुझे कहोगे ना कि फलाने सीन में ये किया था आपने अभी पिछले सीरियल में, तो मैं कहूंगी हाँ अच्छा. ये हर बड़े फनकार की खासियत होती है. मुझे याद नहीं होगा. बड़े फनकार ऐसे ही होते हैं. ये लेवल अप हो गया है. लेवल मतलब उससे और फनकारी जब सूफियाना हो जाए तो ऐसा सा. हाँ, ये भी ऐसे कह लो. ऐसा सा ऐसे ज्यादा अच्छा लगता है. मेमोरी बैड मेमोरी से अच्छा. ये अच्छी चीज. फनकारी जब सूफियाना. हाँ, मिस्टिक लेवल पे ये पहुंच जा चुका है. ये मैंने क्या कहा था आपसे? सीढ़ियां और तुम.
और आप सूफियाना फनकारी। वाह वाह वाह। अच्छा, ये शायरी का कहां से ख्याल है और ये जो वायरल होती है और हर जगह फ्लोट करके पहुंच जाती है सामने, ये खोलो वीडियो। यार पता नहीं, वो अला मियां ने मेरे पे कुछ रहम किया, उन्होंने कहा अदाकारी में तो उसका कुछ नहीं बन रहा, शायरी मशहूर कर दो। ये अच्छा, ये फिर बार बार फिशिंग फॉर कॉम्प्लीमेंट्स, वही ना कि नहीं नहीं तो बड़ी अच्छी अदाकारा हो, तो बहुत काम कर रही हो। जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, लुक हु शी इज इन कंपटीशन विद फॉर फिशिंग कॉम्प्लीमेंट्स। थोड़ा सा और ना, मतलब मेहनत तो सुफियाना शायरी इधर मैं साथ वो अदाकारी में। देखिए वो ऑफ द रिकॉर्ड था। अच्छा, वो ऑफ द रिकॉर्ड है, ये ऑन द रिकॉर्ड है। ये तो भाई ठीक है, तो ठीक है, एक दूसरे की ज्यादा तारीफें करके बैठते हैं। नहीं, हम आपस में तो कर लेना, म्यूचुअल एडमिरेशन जरूरी है। सही बात है, यस। बट शायरी वाज ऑलवेज देयर एसन। मैं एक्चुअली बचपन में सबसे पहले मैंने शायरी ही शुरू की थी। okay. और ये किस्सा इतनी जगह हो चुका है, लेकिन इसको कट शॉर्ट करके मैं बताती हूँ कि 14-15 साल की उम्र में मैंने कहा कि ये तो पुराना काम हो गया, वह मतरूक है, आप कौन शायरी कर रहे हैं। और उसके बाद मैं निकल गई अपना बिजनेस पढ़ने और बाकी चीज़ें, और फिर राइटिंग एंड थिएटर राइटिंग, थिएटर डायरेक्शन। यू वर इन यूके, राइट? आई वाज इन यूके, यस, फॉर माय मास्टर्स। उससे पहले मैं बिजनेस पढ़ने यूएस गई, मैं फॉर्च्यून 500 कंपनी की सीईओ बनना चाहती थी, वो थे मेरे इरादे। पैसे कमाएंगे यार, okay. ये क्या काम होता है लिखना, पैसे लिखा जा, पैसे नहीं लिखा, मैंने तो आजाद किया, जी ले अपनी जिंदगी, जा हां यार, जी ले अपनी जिंदगी। इतनी मैंने मेहनत कर करके फिर वो लिखने स्क्रिप्ट सीखे, फिर एक्टिंग करनी शुरू की, तो उसमें खूब जान मार मार के अभी को दो साल पहले एक वीडियो ऐसी थी जो अपलोड की शायरी 3-4 साल पहले फिर शुरू कर दी, ऐसी सटे यहाँ से भी लग रही थी, वहां से भी लग रही थी, दुख तकलीफ, तो वो बाहर ही निकल रहा था। ओके, तो शायरी खुद आ गई, तो उसमें से एक कोम मैंने वैसे ऐसी गुस्से में अपलोड कर दी, तो रातों रात उसकी बड़ी फॉलोइंग होगी, वो इधर उधर घूम गई बहुत ना, तो वो 2 साल पहले ही हुआ है। तो वही ना कि बोला मैंने भी कहा कि इधर उधर बहुत इसको सटे पड़ रही है, तो थोड़ा जरा इजी करा दे। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है, आप भी मुझे बताएं, हम बहुत कुछ प्लान करते हैं चीजों को, और स्क्रिप्ट भी आता है, चीजें भी आती हैं, थिएटर या व्हाटएवर यू वांट टू डू, एंड वी फील कि ये काम जो है ना ये बड़ा लोग पसंद करेंगे, लेकिन उसके बरक्स दूसरा जिस पे आपने ध्यान शायद कम दिया हो वो ज्यादा निकल के आ जाता है। मेरे साथ तो हमेशा ऐसा, ये ऐसा बहुत होता है, मेरे साथ भी होता है। मैं कल ही, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे टेस्ट और ऑडियंस के टेस्ट में थोड़ा सा फर्क है, तो जो काम हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है उनको लगता है यार ये क्या कह रहे थे, ये तो क्या इतनी ऐसी उनको समझ ही नहीं आया। हाँ, तो आई थिंक दोनों तरह का काम इसलिए करना जरूरी होता है। आई थिंक इट्स ओके अगर हम दोनों तरह का काम करें, क्यों, ताकि आप उनके साथ भी कॉन्वर्सेशन में रहें, उनके साथ आप इंगेज रहें, और वो भी फिर आपकी तरह के काम के साथ इंगेज होना चाहें। No, but isn't it easier for you to choose a good director, a good script, a good camera person, good production house, to phir, or good cast? Then you have confidence that it will be good. Okay, you know, it will be good. Okay, you know, it will be good. Okay, again, I say it again, it will be good. Okay, what criteria? क्या क्राइटेरिया, इट्स अ रेलेवेंट टर्म, मतलब हिट भी हो जाए अच्छा और बन उसमें कुछ बुराई, लोगों के दिल को लग जाना, अलग बात है। उसी और सेंस का, और आपके अच्छे होने का क्राइटेरिया क्या है, कहानी आप बहुत, इट कैन लुक वेरी ग्लैमरस, यू कैन लुक वेरी ब्यूटीफुल, यू कैन यू नो बहुत दिल को भी लोगों के छू सकता है, बट मे बी यू आर सेइंग समथिंग कम्प्लीटली रॉन्ग, आप कोई ऐसी बात ना कह रहे हो जो डेट्रीमेंटल हो या मिस इन्फॉर्मेशन हो। बट वो तो हम कर रहे हैं ना, मुसलसल डेट्रीमेंटल बातों से। आई थिंक सानिया अब यही कहना चाह रही हैं कि सोसाइटी में जो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको आप बदलना चाहिए, फॉर एग्जांपल, तो उन पुरानी चीजों को बार बार रीइंफोर्स करना डेट्रीमेंटल है। वेरी जनरल स्मॉल एग्जांपल, फॉर एग्जांपल द वे वी आर कॉन्स्टेंटली पोर्ट्रेइंग वुमेन, ये मेरा बहुत बड़ा एजेंडा है और उसका भी। इज इट लाइक दबीवी, दुखी, मरीवी, दैट काइंड ऑफ जो पोर्ट्रे करते हैं, या एक तो ये है, एक तो ये है कि वो दबी हुई भी है, दुखी हुई भी है, वो कम्प्लीटली पैसिव औरत है, वो बिल्कुल रिसीविंग एंड पे है, ज़्यादा प्रॉब्लम। चलिए आप एक ऐसी औरत की कहानी सुनाना चाहते हैं, ठीक है, ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बात ये है कि आप उसे ग्लोरीफाई करते हैं, आप ग्लोरीफाई करते हैं उसकी कुर्बानी को, ये शराफत का क्राइटेरिया है कि वो हर चीज़ बर्दाश्त करती है, अपने शौहर की मार भी बर्दाश्त कर ली, सास की ज्यादती भी बर्दाश्त कर ली,
औलाद की कोई जुल्म व सितम बर्दाश्त कर लिया, वही बस एक मंबा है। हाँ, बस अजमत का लिबर्टी की वो हमारा वर्जन हो जाता है। और दूसरा ये कि वो अपने लिए कोई कोशिश नहीं करती। बड़ी स्केरी बात है, बहुत खतरनाक बात है। इट्स बहुत खतरनाक बात है कि वो अपने लिए कुछ कोशिश नहीं करती और वो किसी डिवाइन इंटरवेंशन का इंतजार करती रहती है। डिवाइन इंटरवेंशन नहीं होती, जो कि ड्रामा में शायद फिर भी हो जाए लेकिन असल जिंदगी में। आपने तो फिर डिवाइन इंटरवेंशन की बात करती है, एक मर्द से जलील होती है, दूसरा मर्द बचा लेता है। हाँ, तो ये तो डिवाइन क्या, तो आदमी ही जलील कर रहा है और आदमी ही बचा रहा है, आपका खुद बचाने का कोई सीन नहीं है। बचाने वाला तो सही है ना, मैं अच्छे आदमियों की सपोर्ट करनी है। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि आप खुद भी आप अपने आप को कभी बचा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो एक आदमी ही आके आपको बचाए और एक ही पर्टिकुलर कैरेक्टर में ही आपको बचाए। वो आपका कॉलीग हो सकता है, वो आपका दोस्त हो सकता है, वो आपका कोई यू नो कॉमरेड इन आर्म्स हो सकता है, गैर रोमांटिक रिश्ता भी हो सकता है, गैर रोमांटिक रिश्ता हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो आपका शौहर ही हो, या आप उसके साथ एक ऐसा ही रिश्ता बना सकते हो। सिर्फ ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि ये बार बार रिपीटेडली पोर्ट्रे करना कि मर्दों और ख्वातीन के बीच में एक ही तरह का रिश्ता हो सकता है, इट्स ऑलवेज प्रॉब्लमैटिक। बिकॉज जब आप वर्क सिचुएशंस में जाते हैं तो आपको इस बात की आपके पास माइंडसेट आपको कोई रिकॉग्निशन नहीं है कि प्लेटोनिक रिलेशनशिप्स होते हैं, वर्क रिलेशनशिप्स होते हैं, दोस्ती होती है। तो पर सानिया, उसके लिए तो एक और भी तो चक्कर है ना, फिर उसमें हम एक और चीज भी तो कर रहे हैं। हम तो वैसे आजकल तो अपना नैरेटिव बिल्कुल ही शादी की उम्र से पहले और शादी पे ले आए हैं। आजकल तो हमारा नैरेटिव और पीछे चला गया ना, राइट बिफोर शादी का टाइम और फिर शादी, यानी शादी पे जिंदगी खत्म। तो बाहर निकलो तो दूल्हा ढूंढने निकलो या दुल्हन ढूंढने निकलो। और ब्लॉक कर दिया नैरेटिव। आई एग्री विद यू कंप्लीटली, क्योंकि आपका सारा टेलीविजन का नैरेटिव फोकस हो गया है इस बात पे कि खवातीन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम शादी है। यस, एक बात, एजुकेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं है, अब्यूज नहीं है, डिग्निटी नहीं है, हर राइट टू चूज नहीं है, हर राइट टू एक्सप्रेस नहीं है, उसका कोई और प्रॉब्लम नहीं है सिवाय इसके कि उसकी शादी हो जाए, बस शादी हो जाए। और मगर मजे की बात क्या है, सोसाइटीज जो ग्रोइंग सोसाइटीज होती हैं, जो वहाँ क्या होता है कि मीडियम्स और मुख्तलिफ आर्ट फॉर्म्स अपने आप को इंटीग्रेट करते हैं सोसाइटी की मूवमेंट के साथ। हम बिल्कुल अपोजिट कर रहे हैं, हम अपोजिट कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है, खवातीन इस मुल्क में वो कर रही हैं जो उन्होंने करना है, लेकिन वो जहाज उड़ा रही हैं, ठीक है, लेकिन टीवी पे नहीं दिखा रहे हैं। वो डॉक्टर्स बन रही हैं, वो इंजीनियर्स बन रही हैं, much more you guys and so much is happening, and they are getting out of abusive relationships as well. We are saying we don't want this relationship, we are taking the children, taking the responsibility. हम तो कर ही रहे हैं सब कुछ, despite the narrative of television, जो के एक बहुत बड़ा तमाचा है हमारे मीडियम के मुंह पे कि women are doing all this despite you constantly telling them कि नहीं नहीं घर से बाहर निकलोगी। एक प्ले था, मैं उसका नाम नहीं ले सकती, दोस्त है मेरा, वो सभी का है, सभी का दोस्त है, उसने बड़ा झगड़ा किया मेरे डायरेक्टर के साथ, वो एक चैनल पे हाथ हल्का रख के, दो महीने के जो एक फोन आता है वो भी नहीं आएगा फिर, ठीक है, तो हल्का हाथ रख के मेरी तरफ से बेशक ना है, हाँ ना है, दो वो फोन आए या ना आए, जो स्क्रिप्ट मुझे बार बार भेजे जाते हैं जिनको पढ़ के मुझे इंतहाई अजियत होती है, वो स्क्रिप्ट ना आए, वो फोन आए या ना आए, बाहर आए, लेकिन ये तो बड़ी बात है। तो उसने बाकायदा झगड़ा किया मेरे डायरेक्टर के साथ कि नहीं, ये कैरेक्टर घर छोड़ के ना जाए, इसका कमरा अलग कर दो, इसका इतनी बड़ी बात हो गई है फैमिली में, बीवी घर छोड़ के ना जाए, नहीं नहीं नहीं, नहीं टीआरपी गिर जाएगी। हाँ, ये तो मेरे साथ भी हुआ है ऑन स्क्रिप्ट लिखने वाले टाइम। तो मेरा डायरेक्टर भी थोड़ा मेंटल आदमी था, उसने कहा कि नहीं ये तो जाएगी, और मुझे इतनी पसंद है अपनी वो लाइन जहाँ पे वो जाते हुए उसको कहता है कि तुम बच्चे मेरे बच्चे नहीं ले जा सकते, वो कहते तुम्हारे बच्चे, वो कहता है हाँ मैं मेरे बच्चे तुम नहीं ले जा सकते, ये बच्चे तो तुम मुझे देकर जाओगे, अदालत से लेती है बच्चे उससे और चली जाती है। She's a working woman. She says you can't. Was it a hit or a flop? That I want to know. It was an okay. TRPs aayi.
आई डोंट नो, मुझे क्योंकि उनके बारे में कुछ पता नहीं होता। लेकिन मेरा एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, ये टीआरपी का गेम क्या है? हाँ, ये क्या है? इसे कोई जस्टिफाई नहीं, इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। तो व्हाई शुड आई डिजाइन माय करियर अकॉर्डिंग टू समथिंग दैट इज सो डाइसी? Yes, I love this. Yes, I love this. एक तो I'm glad you do. सानिया, एक और चक्कर भी है ना कि ये जब हम ये वाली बात करते हैं जो आप कर रही हैं, तो इससे पता नहीं क्यों, लेकिन मेजॉरिटी लोगों को तासुर ये जाता है कि हम चीजों को अनएंटरटेनिंग कर देना चाहते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है। अरे भाई, आपका एम्पावर्ड नैरेटिव जरूरी नहीं है अनएंटरटेनिंग हो, आपका दिमाग अनएंटरटेनिंग हुआ है, आप जरा थोड़े सोच लगाइए। नहीं, स्टोरीज यार, मैं आपने तो इशू बेस्ड कहानियां भी की हैं। मैंने तो एक वो जो गेम चेंजिंग ड्रामा उड़ारी था वो एंटरटेनिंग भी था एट द सेम टाइम, एंड इट वाज सो गुड, दैट्स वेयर आई हैव सीन यू। अब सीढ़ियों के अलावा याद आ गया, सीढ़ियों के अलावा कहीं और ध्यान चला गया, एकदम याद आया मैं तो एहसन खान सामने उड़ारी वाला। एहसन खान से मैं कभी को मिला नहीं होगा ऐसा। वैसे यू वर सो गुड इन इट। इतना मैं नहीं हंस रहा हूँ, यार जरा ज्यादा हंस रहा हूँ। अब मुझे बोल रही ना, पहली बार मुलाकात हो रही है, पहली बार हो रही है, मुझे लगा नहीं हुई जैसे ऑडियंस। मैं समझी थी शायरी सुन के, मैं समझी थी मैं ही ऐसा इंसान हूँ जो कम लोगों से मिला हुआ। नहीं, हम वैसे मैं भी कम मिलता हूँ। हम सब के पास वक्त भी नहीं है यार, वक्त भी और थोड़ा सा फैमिली। मैं तो मेरा खुद। अच्छा, व्हाट आर यू डूइंग दीस डेज? यार कुछ छोटा मोटा फिल्म कुछ छोटा मोटा फिल्म खुद लिखती है, खुद डायरेक्ट करती है। यू हैव टू सी हर फर्स्ट फिल्म। इसे मुझे अपने घर पे बुला के दिखाई, एंड आई वाज लाइक, यार ये कौन लड़की है भाई, व्हाई इज शी नॉट मेकिंग मोर फिल्म? व्हाट इज दैट अबाउट? लास्ट ईयर मैंने एक फीचर फिल्म इनिशिएट की थी, जिसकी मैं राइटर हूँ, डायरेक्टर हूँ, उसमें मैं अदाकारी भी कर रही हूँ। आप और यासिर हैं शायद दोनों? नहीं, यासिर नहीं है, वो हमारी डेट्स का बड़ा मसला हो गया था। तो ज़ैन अफ़ज़ल, ही इज़ एन एक्टर, थिएटर एक्टर फ्रॉम लाहौर, हु वाज़ इन सरमत्स प्ले एज़ वेल। ज़ैन अपना ज़ैन, ज़ैन है, देयर आर 18-20 पीपल इन इट। प्रियो ज़फ़र हैं, इरफान खुसर साहब हैं, इट्स अ फैमिली स्टोरी। इज़ इट अ कॉमेडी थिंग? या या, इट्स आर्ट गाने हैं, इट्स अ वेरी फन फिल्म, पंजाबियों का ब्याह हो रहा है बेसिकली। ओके, तो वो पिछले साल में उसने पिछले साल उसकी राइटिंग, उसका म्यूजिक बनाना, कंपोजर के साथ बैठना, लिरिसिस्ट के साथ बैठना, उसको डेवलप करना, उसका प्री प्रॉड करना, एंड ऑफ लास्ट ईयर हम उसको शूट पे लेके गए थे, 60% शूट हो गई, उसके बाद आकर तो 4 महीने में गिर गई बिल्कुल, ना कि बिल्कुल जिसम में ताकत नहीं रही। पोइट्री चलती रही, फिर आसिम अब्बासी हमारे एक डायरेक्टर हैं, केक फिल्म जिन्होंने उनकी वेब सीरीज थी इस समर में, वो कर रही थी, आई नो वो भी चल रही है, अब फिर वापस ये शो पे आई। ठीक है, ओके, जबरदस्त, वेरी नाइस यार। अच्छा, टेल मी वन थिंग, एक बड़ा शोर मचा, जवाब बहुत अच्छा था कि शादी कर ली और अपने से छोटा है। ओ, 10 साल छोटे लड़के वाली बात, 3 साल होने को आ गए, पुरानी नहीं हो रही। मुझे याद है ये यार, ऑब्वियसली शोर तो मचा, क्योंकि बात हमारे इस, अगेन हम इतना रिग्रेसिव नैरेटिव भी कॉन्स्टेंटली सुनाते हैं कि हम तो प्रोग्रेसिव बात करते ही नहीं है, तो उसमें ये बात जरा बहुत ज़्यादा ही हो गई कि अच्छा 10 साल ही छोटा लड़का। और फिर मैं मोटी पुलुष भी बहुत उस वक्त हुई हुई थी, क्योंकि मेरा बहुत वजन था, और वो स्मार्ट सा टाइगर श्रॉफ टाइप, तो बिल्कुल ही लोगों ने कहा कि बच्चा पास लिया यासर ने। बोले जाती है खुद मुंह को भी ना थोड़ा कंट्रोल करने के लोगों ने वैसे कहा, और अब कैमरे को कह रही है आई एम सॉरी। किसको बोल रही है आप? सॉरी, कैमरे को बोल रही हूं सॉरी। नहीं तो वो ये हुई बड़ी बात है ना, उस चक्कर में मैंने वजन भी कम किया। अच्छा, नहीं नहीं, यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन कि वजन भी कम किया, अच्छा लग रहा है कम किया कि वो बहुत गुफ्तगू बहुत ज़्यादा उसके ऊपर हुई, जिसमें मेरा मियाँ बेचारा बहुत हंसता था, कहता था इनको ये टेंशन लगी है कि मैं भाग जाऊँगा, मुझे ये टेंशन लगी रहती है कि ये भाग जाएगी, क्योंकि मेरा तो मिजाज ही नहीं था शादी आना किस्म का ना, नॉट इंटरेस्टेड। अच्छा, तो वो बहुत कॉन्ट्रो हो गया उसमें, जवाब इसलिए ज़रूरी मैंने समझा, जिसकी बाद में मुझे रेप्रिकॉशंस फील हुई, कि मैं एक ब्यूटी पार्लर में गई तो वहाँ रिसेप्शन पे बैठी हुई लड़की ने मुझे कहा कि मैंने आपकी वो वीडियो देखी थी जिसमें आपने जवाब दिया था, मुझे बड़ा हौसला मिला उससे। तो वो जवाब जो था उसका रीज़न ये था कि थोड़ा सा इस डिस्कशन को आगे बढ़ाया जाए कि क्यों नहीं भाई, हमारे मुल्क में जहाँ 30 से ऊपर की और बहुत बड़ी पॉपुलेशन है 30s और 40s की, जो अनमैरिड खवातीन हैं वो इस चक्कर में घर बैठी रह जाती हैं कि उनके जोड़ के रिश्तों की तो शादियाँ हो चुकी हैं, तो हमें ये
ये नॉर्म्स बदलने होंगे, वरना हमारी लड़कियां क्या अनमैरिड ही बैठी रह जाएं, या फिर अब लोगों के घर पर। आप, मैं कहता हूं आप नैरेटिव की बात जब सुनाते हैं, हमारे दीन में अगर आप रसूलुल्लाह की जब आप पढ़ते हैं उनकी, तो उन्होंने अपनी से बड़ी पहली शादी की उन्होंने, उनकी जिंदगी तक उन्होंने और शादी नहीं की, और वो 10 साल से कहीं ज्यादा फर्क था। और ये लोग जो इस बात पे आके इतना जो किसी को वो मतलब इतने बुरे कमेंट्स करें, उनको सिर्फ इतना ही सोचना चाहिए कि आप किस बात पे कमेंट करें। अच्छा, इट्स वेरी वियर्ड, बट यू नो व्हाट, दैट्स व्हाट सोल्ड मी टू, बिकॉज़ व्हेन आई मैं खुद बहुत इग्नोरेंट हूं भाई, मैं किसी को क्या कहूंगी, अल्लाह माफ करे, कुछ सीन इतना अच्छा नहीं है। उसने जब मुझसे ये बात की तो मैंने भी यही जवाब दिया, मैंने कहा देखो मैं तुमसे 10 साल बड़ी हूँ, इसी तरह की आंखें बना के, यही शक्ल बना के मैंने उसको ये बात कही, तो उसने मुझे ठक आगे से कहा, he's like कि अच्छा अगर आपका ये आर्ग्यूमेंट है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी पहली बेगम के बीच में 15 साल का फ़र्क था, तो ये तो 5 साल का तुम्हारे पास फिर भी बोनस मार्जिन है। एंड दैट रियली गॉट, आई वाज लाइक डूड बॉयज गॉट अ पॉइंट, ये सही कह रहे विद दैट एक्सेंट, मतलब हम लोग अपने मिसालें हमारे सामने हैं, लेकिन शायद हम लोग भूल जाते हैं। नहीं, हम अपनी मर्जी वो मिसाल इख्तियार करते हैं जो सूट करती है। अगर हमने 20 साल छोटी लड़की से शादी करनी हो तो हम ये वाला एग्जांपल यूज करते हैं। 20 साल, अरे 30। अगर हमने 15 साल बड़ी लड़की से शादी करनी हो तो हम ये एग्जांपल यूज नहीं करते। बिल्कुल सही है। अच्छा, व्हाट्स योर फैमिली लाइफ लाइक, घर में कैसी मतलब इस सानिया दैट काइंड ऑफ के मैं खाना बना रही हूँ। हाँ, I wanna know this too. हाँ, ये this I'm also कभी नजर आती है किचन में से निकलते हुए, यू करते हुए और फिर सर्व करते हुए, कभी है सानिया इस टाइप की? हराम है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं यार, हम लोग जिस तरह पले बड़े थे ना, हम सब काम करते थे। मेरे घर का स्ट्रक्चर बिल्कुल अपनी नौयत का ही स्ट्रक्चर है। हमारे यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं कि कोई आदमी काम नहीं करेगा या कोई काम नहीं करेगा या ये वाला काम औरत का है और ये मर्द का उठा के यही रखेगी, कोई सीन नहीं है। तो बिकॉज मुझे पाला ऐसे माँ बाप ने, जो मेरी वालदा पढ़ती भी थी, घर का काम भी करती थी, हमने कभी मुलाजिम नहीं देखे घर में, हमारे पास कोई मुलाजिम नहीं थे। तो हमारे वालिद और वालदा हमेशा इकट्ठे काम किया करते थे सारे। उनकी अपनी सोशल एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा थी, मेहमान नवाजी भी बहुत ज़्यादा थी, लोग आते थे 20-20 लोग इकट्ठे आते थे बाज़ दफ़ा, तो वो भी मिलजुल के करना। मेरे भाई को खाना पकाना आता है मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छा, उसे खाना पकाने और खिलाने में मुझसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मेरी भाभी ने दो बच्चों के साथ पढ़ा, मॉन्टेसरी कोर्स किया, शी रन्स हर ओन स्कूल। तो आई थिंक जो एक घर में जनरल एटमॉस्फेयर था ना, वाज दैट ऑफ फैसिलिटेशन, इंस्टेड ऑफ कि मैं ये उम्मीद करूं कि कोई मेरे लिए ये काम करेगा, मेरा काम ये बनता है कि मैं उसे इतना एम्पावर करूं कि वो अपना काम खुद करे और मैं भी अपना काम खुद करूं। अच्छा, वंडरफुल जी, आगे बढ़ते हैं, ब्रेक का वक्त है, वापस आएंगे तो एक हमारे पास गेम है जो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, वो इन दोनों से वो जब गेम खेलेंगे ना, बड़ा मजा आएगा ऑनेस्टली। Really? और शायरी भी सुनेंगे, वो कैसे हो सकता है कि वो जो वायरल शायरी वो ना सुने। लेकिन एक ब्रेक लेते हैं, मेरे साथ रहिए, देखते रहिए बोल लाइट्स विद एहसन खान। आए नहीं अभी तक, कोई बात हो गई होगी, आए नहीं अभी तक, कोई बात हो गई होगी, शायद उनके शहर में अचानक रात हो गई होगी, आंधियां चली होंगी और बरसात हो गई होगी, मुझसे पहले बारिश की मुलाकात हो गई होगी। शो का वक्त कम है ना, जरा मुनासिब। अच्छा, आप सुनाए ना एक शेर, आप भी सुनाए। मैं क्यों सुनाऊं, मेरा क्या, मैं तो शायर नहीं हूं। अपना नहीं, वैसे ही सुना दे कोई, कोई सा भी जिंदगी में कोई फेवरेट शेर होगा सुना दे यार। बस वो ना सुनाना है, मुझसे पहली सी मोहब्बत में। बहुत चलाक ना, भी कह के शो से पहले कि क्योंकि इसको सिर्फ वो वाली याद है। अच्छा, फैज साहब की कोई और नज़्म सुना दे। आके वापस ता है, चलो आके वापस ता किससे, चलो ये कौन जो मैडम नूजा और सरिता खानम ने ना गाई थी वो बता। हां, जो बस्ता बैग सब नहीं होता। आप बताएं, अब आपकी आपकी बारी। मैं शेर सुनाऊं, अब्बू का एक बड़ा पसंदीदा शेर है, मैं वो सुना सकती हूं। देरो हरम आई नाए तकरार तमन्ना, देरो हरम आई नाए तकरार तमन्ना, वा मांदगी शौक तराशे है पनाहें। वाह वाह वाह,
क्या है गाना है मुहावरा है गाना है मुहावरा मुहावरा ये अब बोल दिया आप इसे आगे कुछ ना बोलना और उर्दू का मुहावरा है दुनिया ऊपर नहीं उड़ना पर ओके परिंदा हाँ ये कुछ है परिंदा परिंदा चील ईगल इतनी डिसेंट सी चीज मोर हाँ मोर ओके मोर वाला मुहावरा क्या मोर जंगल में मोर नाचा किसने देखा एक और मेरी एक ही बारी अच्छा किया वैसे हाँ? बारी एक नहीं है अब वो मेरा प्रोड्यूसर कह रहा था इनको भूजने ना दे करने दे बड़ा अच्छा डांस कर He never enjoyed your dance in the edit room. देखा? मैं तो ये मोर के पर दिखा रही थी। हाँ, मैं समझ गई। हाँ, देर में समझी। पर मोर खुलते नहीं हैं जब वो डांस कर रहा होता है। Five. मतलब ये क्या? क्या है? ये गाना है कि मुहावरा? गाना है बिल्कुल गाना। गाना? ये मुहावरा है। सुने। It's like a jingle, like. Well, it's a song. It's a song. Yeah. हाँ. गोलगप्पे वाला आया गोलगप्पे लाया गोलगप्पे एट ओ ज़हन दिमाग याददाश्त याद सोच सोचना अच्छा तीसरा लफ्ज बता दो ये चार लफ्ज ये क्या गाना था मुहावरा था मुहावरा है नहीं आवाज नहीं निकाल सकते ये निकाल सकती ये वाली आवाज ये शनाख्त करना है आपने कि क्या है ये कौन सी ये जानवर है कौन सा जानवर इस पे वापस आए हाँ ओके जहन सोचना ख्याल लिप रीडिंग कर रहे हो लिप रीडिंग मुंह नहीं मुंह से क्या भैंस हाँ ये है ना ये है भी ये है भैंस यहाँ क्या होगा जो भैंस से कनेक्ट होगा अकल बढ़िया भैंस तभी इसका जवाब तो आता ही होगा ना हाँ भैंस हाँ आई जी आपकी बारी है ओहो पता नहीं मैं क्या गड़बड़ कर रही हूँ अच्छा जी चलिए चलो जी नंबर चूज करो बताइए बाबा एक नंबर ऑब्वियसली एक नंबर राइट अच्छा जी मुहावरा और अ सॉन्ग इट्स अ गाना हाँ इट्स नॉट अ सॉन्ग नॉट सॉन्ग मुहावरा ओके लेट्स डू दिस मैं मेरा दिल मेरी जान मैं और तुम हम आंखें बहुत ये तो बात बहुत बिगड़ गई है इजी मैं हाँ समथिंग लाइक दैट बोलो मुझे तुम हाँ दिखाई दे रहे हो मुझे तुम्हारी आंखें पसंद है मुझे तुम्हारी आंखों के साथ भागना है तुम्हारी आंखें कह रही हैं कि मुझे तुम्हारे साथ भाग जाना चाहिए क्या चाह रही है ये आंखें है ना अच्छा आंखों की जगह कुछ और लफ्ज ढूंढो इसका अच्छा मैं तुम्हारी नजरों मुझे तुम यार मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो गिरने पे लेकिन मैं पहुंची बात है थोड़ी लेट पहुंची लेकिन पहुंची मेरी हेल्प की मैं हां बहुत हेल्प ऑफ कोर्स हाउ कुड आई हैव डन दिस विदाउट यू ओके नेक्स्ट चूज अ नंबर 3 गाना यार गाने ही आई जा रहे हैं देख लो यार अच्छा शायराना टाइप तो बेहतर है ना तुमने गाने भी ये सारा जहान ये दुनिया ये जहान
आसमान नहीं, अच्छा ये क्या हो रहा है? नीला नहीं, नहीं ये कब करते हैं? चांदनी रातें हाँ, हाँ, नहीं क्या 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 सब जग सोए यार ये बड़ी जल्दी वैसे ही वाला मदद के बगैर मदद के बगैर टू बी नॉट लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट दैट नंबर बता 20 मिनट जा रहे ओके 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 10 और बस बस ना 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 ये एक मुहावरा है गाना है या मुहावरा नज्म टाइप पॉइंट मुहावरा है मुहावरा है ओके मिठास अदरक क्या जाने नहीं नहीं, नहीं। मिठास मीठा हप 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 समथिंग कड़वा थू 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 लाइक दैट हां ये सही है सही है मीठा मीठा हप हप हां यस वेरी गुड वेरी गुड यू वेरी गुड यार आप दोनों की जो केमिस्ट्री है ना केमिस्ट्री बड़ा स्ट्रांग है वेरी नाइस बड़ा मजा आया चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ कभी कोई ऐसा प्रोजेक्ट किया जिसको टीवी पे देख के ख्याल आया कि ये तो मुझे नहीं करना चाहिए नाम ना पूछो ओके हाँ जी नहीं काम ही कम किया मैं बहुत ठीक और ठीक था वो ठीक है हाँ तो सही है गुडी हाँ हाँ कुछ कर सही था हाँ ठीक था वो अच्छा था मैंने तो मजा आया गाड़ी चलाते हुए सिग्नल तोड़ा तो किसी वजह से थोड़ा होगा हाँ नहीं मैं बिल्कुल बेदहानी में मैं पीछे थी आगे की गाड़ियां चल पड़ी तो मैं मॉब मेंटालिटी में आई डिडंट लुक एट द लाइट एंड यू जस्ट एंड आई क्रॉस अक्सर ही होता है एंड यू डिड ऑन पर्पस आई नो यार रात का अंधेरा बंदा कोई नहीं दूर दूर तक अपने क्या मतलब बहुत ही दूर दूर तक कोई नहीं था कसम से मैंने डिपर भी चला के देखे कोई नहीं था मैं गुजर गई ठीक है दोनों यानी ये बोट कराची में था ये यू बोट ड्राइव हां वी बोट ड्राइव हमारे पास लाइसेंस है किस चीज का गाड़ी का वैसे तो टू किल भी है लेट मी थिंक और किस किस चीज का टू किल टू किल एंड मच मोर एंड मच मोर या ओके सो यू डोंट हैव अ लाइसेंस पकड़ी गई आई एम गोइंग टू गेट इट मेड आई स्वेयर मैंने अभी अभी गाड़ी ली है नहीं कसम से मुझे नहीं मेरे पास गाड़ी नहीं पकड़ी गई ओके कूल नाउ यू हैव टू गेट नाउ यू विल हैव टू गेट इट हाय अल्लाह आई विल शो दैट लाइसेंस इन किसी फ्यूचर के एपिसोड में कि ये आ गया इनका हाँ सही बात है तो ये इन्होंने पक्का कर लिया कि अब हमारी मजीद मुलाकातें होंगी देख रही हैं हम दोनों दो तीन एपिसोड जो करने हम दोनों को इकट्ठा तो नहीं बुलाएगा देखते हैं नहीं नहीं मैं इकट्ठा ही बुलाऊंगा बड़ा मजा आ रहा है अच्छा बता अच्छा सुबह जल्दी उठने में बहुत मुश्किल होती है दोनों को ओके ड्रामा सेट पर अच्छा खाना ना हो तो मजा नहीं आता नहीं ऐसा मेरा कोई मसला नहीं खाने भी नहीं कोई खाने का घर से ले आया अगर उसको देखकर नहीं आपको लगता कि उस वो खाना नहीं खाती तो बिल्कुल ही मैं लगता छोड़ दिया तो कुछ नहीं खाती अब कॉफी पीती रहती है ब्लैक खाली पेट में जिसकी वजह से डांट भी सुन सिखाई एक दफा लेकिन फिर भी पीती है मैं एडवांस पेमेंट के बगैर प्रोजेक्ट नहीं करती ला हमें तो बाद में पेमेंट नहीं होती बात एडवांस अगर इनका ये हाल है बाकियों का क्या हाल कहां से अच्छा नहीं ऐसा नहीं होता वैसे किसी ने तंग नहीं किया होगा नहीं मुझे नहीं किया एडवांस पेमेंट देता है कोई ये है रिवाज हाँ, है नहीं देते कुछ लोग नहीं यार नहीं बिल्कुल दे रहे कुछ लोग देते हैं हमारी शक्लों पे लिखा हुआ है कि इनको ना ही दो पैसे नहीं जरूरत नहीं है मुझे मुझे एक्चुअली मैं झूठ नहीं बोलूंगी और आई नो के बहुत पेमेंट के प्रॉब्लम्स हैं आई नो पेमेंट स्केड्यूल्स के बहुत प्रॉब्लम्स हैं लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगी मुझे पेमेंट का नहीं हुआ बिल्कुल सही है इनका सीन है मैंने बताया था शुरू में सीन है इनका सीन ऑन है लेवल है आपकी बात नहीं आई थिंक उससे वास्ता इतना कम पड़ता है कहां जाएगा वो बंदा आपकी पेमेंट रोक के वैसे जनरली उस शर्म से डूब के मर नहीं जाएगा वो किसी की भी आई थिंक देर से होती है लेकिन मिल तो जाते हैं सब मिल जाते हैं हां देर से फिर हो जाती मिल जाती लेकिन कुछ लोग वो सोच में पड़े वो कह रही नहीं मेरे तो भी सकता है उसका सॉरी यार अगर चलो अगला सवाल ये कि किसी प्रोडक्शन हाउस ने मेरे पैसे खा लिए नहीं खाए ठीक जल्दी आप देर दे ही देते हैं लोग अब नहीं बचपन में खाए थे अच्छा जब मैं कॉलेज में थी बचपन में चैनल ही बंद हो गया वो ऐसी बाबा की हाय लगी उसको बाबा की हाय
थोड़ी बात ऐसी बाबा की हाय लगी सब टेक्स्ट यही था एक्चुअली यही था ओके कभी किसी दावत में खाने की झूठी तारीफ की क्या खाना तो क्या हाँ ये अच्छा क्यों नहीं इतनी मेहनत से खाना पकाते हैं देखा ना गर्दन से मैं कर दी ना हां कर दी ना क्यों नहीं यही तो मैं क्यों नहीं इसे हम इस हमला किसी ने इतना पूरा दिन मेहनत की है अच्छा मुझे ना कभी खाना बुरा नहीं लगता मुझे आज तक बदजायका खाना भी बदजायका नहीं लगा तू जब तीन दिन वाले खाती है ना उसमें पता नहीं चलता कुछ अच्छा ये उसमें कुछ पता नहीं चलता तेरा खाना खाया है मैंने जिंदगी में हाय मुझे आज तक कभी खाना बद मजा नहीं लगा ठीक है सब ये भी कोई सीन है लोग होते हैं चूजी पिकी इस मामले में मेरा ये बहुत अच्छी बात है हां मुझे हमेशा खाना खाना है गर्म है मजे का लग रहा है अच्छी बात मुझे बॉलीवुड से ऑफर हुई ना पाई हमें क्यों मुझे हॉलीवुड से ऑफर हुई अपने काम पूरे हो नहीं रहे बॉलीवुड हॉलीवुड के चक्कर में ये तो वो सवाल है जो आपसे पूछे जाने चाहिए हाँ आप है ना आप बताइए आपको कभी शहजादा गुलफाम हीरो टाइप्स आपको आ सकती है बॉलीवुड हॉलीवुड से ऑफर आपको हुई कभी यस हॉलीवुड से हुई यस आपने अपने लिए लिखे हुए थे ना सवाल नहीं ऐसे आपने प्रोड्यूसर ने दिया मुझे ये सवाल पूछ के और देखो हमने हमने कितना आपको कितना पता आप लोगों को मेरे उसका ना लेवल का यही टॉकिंग करते ना हम बहुत हम यार ये आगे नहीं चलना शो कसम से दो एपिसोड लिखते हैं ओके लास्ट क्वेश्चन इसका ये है कि शूटिंग करते हुए काम करते हुए कभी किसी से बहुत लड़ाई हुई नो यस क्या किया था मारा वारा तो नहीं इसको नहीं 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 आई थिंक आई हैड टू फाइट्स अदरवाइज होता है ना हल्की से आप किसी की बात बुरी लग जाए आप साइड पे हो जाते हैं लाइक अ पंच और समथिंग नो पंच नहीं मैं फिर उधर बस वॉकड आउट आई जस्ट पिक्ड अप माय बैग एंड मैं चलना शुरू कर देती हूं मैं ना बाहर निकल के किसी दूर खड़े रिक्शे की तलाश में चलना शुरू हो जाती हूं मैं बस ये करती हूं जब मुझे बहुत गुस्सा चढ़ जाता है बैग उठा यू गेट अवे जस्ट यू वांट टू गेट अवे लवली वंडरफुल ये तो बड़ा मजे का हो गया यार और ब्रेक का वक्त हो गया खत्म हो गया हां नहीं तो फिर से ब्रेक का वक्त या ब्रेक से ब्रेक का वक्त एंड है नहीं बिल्कुल एंड नहीं है अभी आप अभी ब्रेक एंड करेंगे दिल नहीं कर रहा ना नहीं मजा आ रहा है ना यही तो बात है शो की यार एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं हमारे साथ देखते रहिए बोल नाइट विद एस सुनो बिल्कुल नहीं मुझे पता था कि इतना मजा आएगा इन दोनों खवातीन के साथ मैं सोच रहा था कि मैंने शुरू में बोला ना कि आज बड़ी क्या सोच रहा था शायराना पढ़ी लिखी बात नहीं मेरा ये मतलब नहीं कि अनपढ़ बातें हुई है बहुत मजे की बातें हैं बट ये कि आई हैव काइंड ऑफ लाइक एंजॉयड अ लॉट विद यू गाइस आई एम सो ग्लैड दैट यू थैंक यू बिकॉज़ आई थैंक गॉड वी डिडंट फॉल प्रे टू आवर इमेजेस हां या And you know what? I think usually you guys go less in shows and लोगों ने इतनी बातें करते कम ही सुना है इस तरह से कभी जाते हैं तो इसकी choosy तो नहीं सुस्त मैं तो सुस्त हूँ इतना तैयार हो के कपड़े पहनो ये सब को यार आप नहीं भी तैयार हो के तो सानिया सही दिन होगी ना तो ऐसे भी आ जाती है नहीं लेकिन शो का माहौल तो देखें को बंदा बैठा हुआ अच्छा तो लगे बीच में है ना मतलब कि चेक हो जाए तो वहाँ मखमल यहाँ कुछ तो बेहतर हो नहीं यू गाइस आर परफेक्ट इट्स कॉल्ड बोल नाइट्स ओके बोल नाइट्स यस एग्जैक्टली अच्छा शो का वक्त इतनी जल्दी खत्म हुआ जाते जाते सानिया आप कुछ कहना चाहेंगी लोगों से आजकल की सिचुएशन पे या कोई ऐसी बात जो आपके जहन में आप लोगों को कहना चाहती यार एक बात में बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आज ही बहुत ज़्यादा दो दिन से हम बहुत ज़्यादा फील करें कराची में एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्ट फेस्टिवल हो रहा है जिसमें एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट है उनकी एक इंस्टॉलेशन थी जिसको आके हटा दिया गया किसी तरह के भी एक्सप्रेशन को किसी भी खौफ के तहत इस तरह उस पर कतगन लगाना उस पर पाबंदी लगाना या उस आवाज़ को दबाना हमेशा नुकसानदेह साबित होता है बहुत बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आर्टिस्ट्स को ये गुंजाइश दें कि वो अपने ख्यालात का इजहार कर सकें चाहे इतनी क्रिटिसिज्म होती है यार गवर्नमेंट के ऊपर मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस के ऊपर इतनी क्रिटिसिज्म हो रही है दुनिया भर में होती है एक आर्ट इंस्टॉलेशन से इतना डर गया इनफैक्ट सिविलाइज्ड सोसाइटीज में ज्यादा होती है होनी चाहिए क्योंकि हम सब इसी तरह एक दूसरे पे नजर रखते हैं ना कि आवी ट्रेडिंग द राइट लाइन कहीं हम आवी नॉट क्रॉसिंग अ लाइन और आर्टिस्ट्स का यही काम होता है कि वो रिफ्लेक्ट करें जो वो आज महसूस कर रहे हैं
ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे आर्टिस्ट सिक्योर फील करें अपनी बात कहने के लिए, जो इनएविटेबली हम सब के बड़े बड़े कैनवस पे अगर आप इसको देखें तो हमारे फेवर में जाती है। बिल्कुल सही। तो अगर आप इस तरह, आप कितने लोगों को, जो बात शायद होके खत्म हो जानी थी अब वो कितने लोगों तक पहुंच गए और कितने लोग वहां जमा हो गए, तो और जो कि एक बहुत खुशाइन बात है, बहुत बहुत अच्छी बात है, और बहुत बहादुर खातून है वो आर्टिस्ट, और बहादुर है इस शहर के लोग जो उनके साथ खड़े हुए हैं इस वक्त। वो और दूसरे, सो यू कैन नॉट डू दिस, इट्स अ, जैसी भी है, टूटी पज्जी ऑन द फेस, इट इज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, यू विल हैव टू कीप दैट फेस। प्लस सानिया, बिल्कुल जाते जाते बात ये तय है कि जो डिफाइन करती है ना नेशंस को, उनका आर्ट और कल्चर, उनकी ये चीजें डिफाइन भी करती है कि वो क्या सोच रखते हैं, एक तो वो क्या सोच रखते हैं और आप उसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, आप जाते जाते यहीं पे, हेलो। हाँ, यही हूँ। क्या कहना चाहेंगे जाते? मैं थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि बात मैं काफी अरसे से करना चाह रही हूँ, और वो ये है कि मैं बिल्कुल भी पॉलिटिकल नहीं हूँ, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत ज़्यादा लोगों से सुन रही हूँ, कहाँ है तब्दीली, ये थी तब्दीली, तब्दीली ऐसी होती है। अब लोगों ने इसको एक टॉन्ट और ताना बना लिया है। देखिए, बुनियादी तौर पे आप सबको खुद बदलना होगा, हम सबको खुद बदलना होगा। हमारा प्रॉब्लम गिने चुने 200-250 लोग नहीं हैं जो हुकूमत कर रहे होते हैं, हमारा प्रॉब्लम हम खुद हैं एज ह्यूमन बींग्स, एज हाउ वी लाइक टू डू थिंग्स। हम हैं थोड़े फिटे हुए, हमें कम मेहनत करने की आदत है, हमारे कुछ प्रॉब्लम्स अपने भी हैं इंडिविजुअली, तो अपना एहतसाब करें, अपने आप को बदलने की कोशिश करें जहां आपको लगता है कि आप लैक कर रहे हैं। और अगर आपको मुल्क की सिचुएशन पे कमेंट करना है तो मुल्क की इक्तसादियात, मुल्क की माशियात को जानने की कोशिश करें, उनकी डिटेल्स समझें, नंबर्स समझें, पुराने नंबर समझें, नए नंबर समझें, और इन मेजर्स को समझकर इनमें कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करें कि अगर वक्त मुश्किल है और उसको ठीक करने के लिए हुकूमत को भी मुश्किल चीज़ों का सहारा लेना पड़ेगा और हमें मुश्किल से गुजारना होगा, तो हमें उस मुश्किल से उनके साथ खुशी खुशी ना सही तो अज़म से ज़रूर गुजरना होगा। ठीक है, क्योंकि कैओटिक सिचुएशन में मजीद कैओस फैलाने से बेहतर है कि आप हेल्प इट आउट। या Try to find any out way or any means. I'm talking purely in the economic sense. I understand. Of course, of course. Acha ji, thank you very much for being on the show. I'm very, very happy to have you here. And may you stay happy. Hamesha khush rahe, is tarah haste rahe, muskurate rahe. Aur zindagi mein bahut, bahut, bahut si achhi achhi cheezein hoti rahe aap dono ke. Thank you. Aur aapke bhi. Thank you so much. Yes. थैंक यू। अच्छा जनाब, हमारे इस शो का वक्त तो ख़त्म हुआ, अब नेक्स्ट जो हमारे गेस्ट होंगे वो आपको बताएंगे, कैसे बताएंगे, जब आप लोग फीडबैक देंगे इस शो का तो फिर डिसाइड करेंगे कि अगले शो में कौन आ रहे हैं, वो मेरे और आपके फेवरेट ही होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।